दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों आज का अपडेट रहने वाला है सेवा योजन पोर्टल से संबंधित। दोस्तों सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग वैकेंसियां फिलअप की जाती हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, सेवा योजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर मैं हूँ। दोस्तों इसमें न्यू विज्ञापन जारी किया गया है, न्यू वैकेंसी अपलोड की गई है टेक्निकल। तो मैं आपको वैकेंसी तक ले चलता हूँ, आपको कैसे वैकेंसी तक पहुँचना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों आपको जाना है सेवा योजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर, जैसा कि आपको जो इंटरफेस ओपन हुआ है दिख रहा होगा। फिर आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक करना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। दोस्तों आप लोग आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक करेंगे तो आपकी वैकेंसियां इस प्रकार से ओपन हो जाएंगी, परंतु आपके पोर्टल पर 10 ही वैकेंसी शो होगी। तो दोस्तों आपको इसमें जाना है, जो पेज संख्या 10 है इसको आप लोग 100 कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो आप लोग 100 पेज करेंगे तो आपकी 100 तक वैकेंसियां शो हो जाएंगी। दोस्तों आपको जाना है उसके बाद अंतिम पेज पर, जैसा कि मैं आपको अंतिम पेज करके दोस्तों आप लोग अंतिम पेज करेंगे तो आपकी पूरी वैकेंसियां शो होंगी लास्ट तक। इसमें अभी जो वैकेंसियां टोटल हैं वो आपकी 195 वैकेंसी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अभी चल रही हैं। तो दोस्तों आपको जाना है 94 नंबर पर, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग 94 नंबर पर जाएंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी मिलेगी, और आप लोग 95 नंबर पर जाएंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी मिलेगी। दोस्तों मैं आपको इस वैकेंसी का डिटेल दिखाता हूँ, ये वैकेंसी के लिए आपको कैसे आवेदन करना है और किस माध्यम से आपका आवेदन होगा और ये वैकेंसी आपकी किस विभाग में है। दोस्तों मैं आपको वैकेंसी का डिटेल दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपका वैकेंसी का डिटेल है, इसमें आपकी जो चयन कराने वाली संस्थान है वो आपका सुंदर कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, और जो आपका पोस्ट है वो आपका जूनियर इंजीनियर सिविल है। विभाग आपका विकास प्राधिकरण रहने वाला है। दोस्तों आपका मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ये वैकेंसी आपकी पोस्ट की गई थी 10/9 को, आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 18/9/2024 है। कुल जो पोस्ट है वो आपके 3 वैकेंसियां हैं, इसमें जो अनिवार्य योग्यता है वो आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए ही वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आपकी थर्ड पार्टी के माध्यम से होगी। कार्य का विवरण आपका जूनियर इंजीनियर के जो भी दायित्व हैं, जो काम हैं, वही आपको करने को मिलेंगे। अपेक्षित वर्ग में आपका पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आपकी वेतन सीमा जो है वो आपकी 30,000 से 40,000 के बीच में है, और जो आपका वेतन प्रति माह रहेगा वो आपका 35,000 रुपये रहेगा, और जो आयु है, आयु सीमा है वो आपका 25 से 35 साल है, और अपेक्षित अनुभव में आपका 5 साल का अपेक्षित अनुभव मांगा गया है। कार्यस्थल आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आपका होगा। दोस्तों इसमें अदर्स डिटेल दी गई है, जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका डिप्लोमा अभ्यर्थी के लिए है, और जो आपका बीटेक अभ्यर्थी के लिए है वो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है और बीटेक के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों अभी इस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, यह आपका कल सुबह 10 बजे से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप अन्य विवरण भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट जियो है कि जैम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट करती है। दोस्तों मैं आपको अन्य विवरण डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपका अदर्स डिटेल है, जो कि आपका एजेंसी विल बी डिप्लॉय जूनियर इंजीनियर इन द ऑफिस लोकेटेड मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, अप्रॉक्स 4 जूनियर इंजीनियर, और जिसमें कि 3 आपके सिविल के हैं, 1 आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है। शैल बी डिप्लॉय बाय द सिलेक्टेड फर्म एजेंसी द रिक्वायरमेंट ऑफ MDA में इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों MDA जो मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका एजेंसी के बीच में जो ड्यूरेशन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो टाइमिंग आपकी कम या ज़्यादा भी कर सकता है। ये अधिकार जो राइट्स है वो आपके MDA के पास है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो दिया गया है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, डिप्लोमा इन सिविल आपका मांगा गया है, और आपका ग्रेजुएट है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, और आपका डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, और आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ऑटोकैड का, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपका सेम है, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से आपका VTech हो के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आप लोग वैकेंसी को देखिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और आपका जो पे स्केल है और जो आपकी वर्क प्रोफाइल है वो आपकी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें मैसेज कीजिए, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।